ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज नवरात्रि है, इसकी विशेष विशेष शुभकामनाएं। और आज उपासना करें दुर्गा जी की, विशेष जो है लाभकारी रहता है, बहुत सारे ग्रहों की शांति होती है। 13 अप्रैल 2022 को गुरु जो है अपनी शत्रु राशि सम राशि कुंभ को छोड़ करके और चले जा रहे हैं अपनी स्वयं की राशि साधारण राशि मीन में, और वहाँ पर जा कर के मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए हंस नामक महापुरुष योग बनाते हैं, और ये काफ़ी पावरफुल योग होता है। और ये केंद्र में भी रहते हैं तो बनता है, और तो ये साल भर तक के लिए योग बना रहेगा आपकी कुंडली में। जिनकी कुंडली में मूल रूप से हंस महापुरुष योग बना हुआ है तो उनको तो वो भरपूर लाभ मिलने वाला है। और मिथुन राशि वाले या मिथुन लग्न वाले दोनों शनि के अष्टम प्रभाव से पीड़ित थे विगत 8 वर्षों 2.5 सालों से, माफ़ कीजिए, और साथ में 1.5 सालों से राहु के इस प्रभाव से, और उसके 1.5 साल पहले राहु का लग्नगत प्रभाव था। तो दोनों दृष्टियों से अब चूँकि लग्नगत, मैं लग्न से ही प्रेडिक्शन 100% सत्य मानता हूँ, और राशि से प्रतिशतता कम कर दीजिए। परंतु जिनका मिथुन लग्न है वो तो देखेंगे, जिनकी मिथुन राशि है वो भी इस वीडियो को देखेंगे, जिनका लग्न मिथुन है ये देखेंगे, और राशि कोई और है जैसे धनु है या कन्या है तो वो वाली वीडियो देख लेंगे, एवरेज फल लेंगे, परंतु प्राथमिकता लग्न को देंगे। अब कहिएगा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र तो चंद्र राशि से ही देखने को कहता है, उसके अलग कारण होंगे, कई बार चर्चा हो चुकी है, विस्तार में नहीं जाना। इस वीडियो में हम राहु के प्रभाव को भी लेके चलेंगे, क्योंकि राहु के प्रभाव की वीडियो हमने नहीं दी थी, तो इसलिए हमने राहु को लिख दिया है, गुरु को लिख दिया है, केतु को भी लिख दिया है। तो राहु केतु और गुरु के प्रभाव को इस वीडियो में देखेंगे, अंत तक बने रहिएगा। ये आपका मिथुन लग्न है, और यहाँ से ये दशम में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, उपचय भाव भी कहते हैं, और यहाँ पे गुरु काफ़ी ताकतवर हो जाएंगे, और आपके लिए क्या क्या लाभ देंगे, तो ये सबसे बड़ा लाभ ये देंगे कि पदोन्नति देंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी मिलने का योग रहेगा, राजनीति में है तो मंत्री बनने का योग रहेगा, मतलब सम्मान प्राप्ति के योग रहेंगे। लेखक हैं, कवि हैं, किसी भी बड़े पद पे हैं, तो जहाँ भी कार्यस्थल पे हैं वहाँ पे आपकी उन्नति होगी, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, पदोन्नति के अवसर हैं। यूँ तो गुरु जब भी यहाँ थे कुंभ राशि में तो भी भाग्योदय के अवसर थे, अब राशि से ये दशम भी जाते हैं तो भी यहाँ पे अच्छा तो दशम का फल नहीं बताया गया कि सम्मान की हानि बताई गई है, ऐसे कार्य जिससे अपमान की प्राप्ति हो और अवनति की बात कही गई है, परंतु ये अपने राशि में रहेंगे इसलिए राशि से भी दशमस्थ गुरु भी शुभ फलदायी हो जाएंगे यहाँ के लिए, तो पदोन्नति के भरपूर अवसर बने रहेंगे और अच्छे विचार आपके अंतर्गत आएंगे। विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो विवाह होने के लिए अवसर बना रहेगा साल भर तक के लिए। माता जी के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आने की उम्मीद है। भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो बड़ा ही उत्तम समय रहेगा, इस गुरु के कारण बराबर ऐसे अवसर बनेंगे जिससे कि आपको भूमि भवन वाहन का लाभ मिल पाए, और यहाँ से विवाह होने के अवसर बनेंगे, साझेदारों से अच्छी बनेगी, उससे लाभ भी होगा, यात्राओं के भी योग बनेंगे और उन यात्राओं में सुखद अनुभूति भी होगी, उससे भी लाभ मिलेगा, विदेशों से भी लाभ मिलने के अवसर बन सकते हैं, साथ में आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आने के अवसर बनेंगे, हेल्थ में सुधार होगा, विचार अच्छे होंगे, उत्तम होंगे। गुरु की ये पांचवी दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, बाणी बड़ी उत्तम होगी, और यदि बाणी जनित आपका कार्य है तो बल्ले बल्ले, जैसे कथाकार हैं, ज्योतिषी हैं, जैसे प्रवचनकर्ता हैं, जैसे अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, इस तरह के लोगों के लिए तो ये साल भर का समय काफ़ी उन्नतिदायक रहने वाला है। कुटुंबों से बनेगी वाणी इस समय आपकी मधुर रहेगी, और मधुर वाणी बोल करके चापलूसी करके भी आप काम निकलवा लेंगे। धन संचय करने में भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, तो इस समय आप धन संचय भी कर सकते हैं, और वो धन या तो यहाँ के रूप में या भूमि भवन वाहन खरीदने जाएं तो फिर जो है हो सकता है कि धन, तो वो भी एक प्रॉपर्टी है, संचय ही होगा यहाँ पे। दूसरी इनकी दृष्टि, नवी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो यदि कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज ले भी पाएंगे, और दूसरी चीज़ है कि उस कर्ज से आप भूमि ले सकते हैं, भवन ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, अथवा इस आपको पुराना कर्जा है तो चुका भी सकते हैं,
पुराना कर्जा है तो उसे चुका भी सकते हैं। दोनों स्थितियाँ क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो ये सुखद अनुभूति कराने वाली स्थिति में है, तो आपके मनोवृत्ति के अनुसार शुभ फल देंगे। तो यदि मनोवृत्ति आपकी ऋण लेने की है तो ऋण दिला देंगे, और यदि आपकी प्रवृत्ति ऋण जमा करने की है तो भी ये ऋण जमा करा सकते हैं, ऐसा योग बनेगा। तो ये तो गुरु की स्थिति रह गई, और आपकी सारी कठिनाइयों का अंत इसलिए होना है कि शनि भी लगभग लगभग अब अगली राशि का फल देना शुरू कर दिए हैं। 29 अप्रैल को जाने वाले हैं, एक अलग वीडियो दे देंगे, लेकिन अभी तो जान ही लीजिए ढैया आपकी समाप्त हो जा रही है। तो ढैया समाप्त हो जा रही है, इधर राहु क्रास करके यहाँ आ ही गए हैं, तो राहु के फल को विचार कर लेते हैं। तो विगत में चले आ रहे जो भी रोग थे आपके वो दूर हो जाएंगे, खर्चे अनाप शनाप व्यर्थ हो रहे थे, व्यर्थ की सोच थी, साथ ही सैया सुख भी नहीं मिलता था, अच्छी नींद नहीं आती थी, व्यर्थ के विचारों में उलझे रहते थे, और ये सैया सुख और फिर सेक्सुअल सुख को देखने के लिए भी राहु यहाँ से काफ़ी नेगेटिव बना हुआ था, जिसको दाम्पत्य सुख को लेके चलते हैं, तो वो भी परेशानियाँ यहाँ से कुछ हद तक इम्प्रूव अवश्य होंगी। राहु एकादश में गोचर करता है तो सौभाग्यशाली है, यहाँ पे राहु प्रसिद्धि देता है, यहाँ पे राहु सुख देता है, यहाँ पे राहु सुख देता है, यहाँ पे सौभाग्य की वर्षा करता है। तो अब कि दो दो ग्रह सौभाग्य की वर्षा, शनि भी भाग्य भाव में रहना है, तो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं आपकी बल्ले बल्ले रहने वाली है। जिस तरह से पहले हमने कहा था कि ये सबसे खराब गोचर रहने वाला था आपके लिए, ठीक उसी प्रकार से यह जो गोचर होगा इससे बेहतर किसी भी लग्न का रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये तीनों भाव शानदार उन्नति के रहेंगे छप्पड़ फाड़ के। संतान की स्थिति के बारे में थोड़ा सा, गुरु की स्थिति है सीधे सीधे इस भाव से छठे है, तो संतान की प्राप्ति के लिए आपको विलंब होगा, इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि इससे त्रिकोण में शनि रहेंगे और यहाँ से पाप कर्तव्य में फंसते हुए भी ये गुरु दिख रहे हैं प्रभावशाली रहते हुए भी, तो संतान के दृष्टिकोण से अभी आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। शेयर आदि में निवेश आदि करना चाहते हैं तो जब इतने सारे अच्छी चीज़ें हैं तो उन मामलों में तो लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए जिन महीने में बुध और शुक्र का गोचर अच्छा रहेगा तो पढ़ाई लिखाई उत्तम चलती रहेगी, और साथ में जिस समय उनका भी गोचर खराब होगा तो उस समय सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। तो कुल मिला जुला करके अधिकतर आपके लिए अच्छा ही समय यह रहने वाला है, इसका भरपूर लाभ लीजिए। और जो है अगली डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो है और प्लेलिस्ट है, उसे देख के लाभ ले सकते हैं, और ये नीचे नंबर दिया हुआ है, तो यदि कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो फी के साथ आप जो है एनालिसिस करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।